सबसे पापी तो वह ब्राह्मण जो पठवा के माथा पर यक्षद तुलसी का पत्ता दे देते हैं और पठवा जब माथा झाड़ते हैं कहते हैं फुलास हो गया, अब जाइए महिका में घुसा करके बलि दीजिए, सबसे पापी वही ब्राह्मण। और उसके पीछे में हम सोलकन भी चलते हैं, नहीं दुर्गा माई चढ़ुआ के अभी तक लोगों पता नहीं है दुर्गा माई केकरो बेटी के केकरो पुतहु के केकरो भगिनी के केकरो ननद के केकरो जैधी के केकरो मौसी के केकरो दादी के केकरो नानी के, ये अभी तक पता नहीं है। खाली दुर्गा माई बलि दो, दुर्गा माई बलि दो, फीता उतरलका आदमी सत्संग कीजिए तब पता चलेगा कि दुर्गा माई कौन है। दुर्गा एक शक्ति है, वह शक्ति हमारे अंदर में। अभी हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन मुंह लग गए हैं पहुंचे हैं यहाँ एक शक्ति जी, तब सूर्य का जब घींचे तब ये भीतर जाए, जै दिन उस शक्ति खत्म हो गल हो मुँह अनाज धरले भीतर अब जैसे भीतर अब रसीद कट कहो विचार। आप जो दुर्गा माँ का मूर्ति बनाते हैं वह शक्ति आप में है, बहु में शक्ति है, तो ढेला को हम लोग महीन करते हैं उंगड़ा से, पैर में शक्ति है पूनी दे करके लात से लगे लात लगे लात, हाथ में शक्ति है तब हम लोग जो है लारो लेते हैं कलकतिया रस्सी लेते हैं, पहले दुर्गा माँ का नकल बनाते हैं तब शक्ति से उसके ऊपर मट्टी साटते हैं तब वह शक्ति है। पहले दुर्गा माँ आप ही के अंदर हैं, पहले मन में दुर्गा माँ प्रकट होते हैं तब दुर्गा माँ को यौग बना देते हैं, क्रीम बना देते हैं, साड़ी पहना देते हैं, तब उस दुर्गा माँ को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन आपको भी प्रणाम करेगा। कारण है कि दुर्गा माँ लोग प्रणाम कर जब तो सन है खैली लटा झुके तुरा प्रणाम करते हैं दुर्गा माँ बने रहे इसकी फायदा होता है। आप ही दुर्गा माँ बनाए हैं, दुर्गा माँ प्रणाम कर जब तुरा मुँह हम एकदम मधुर पुरिया निवास खाए तुरा के प्रणाम करते। आप अपने गलती के चलते आप अपने शक्ति को खत्म कर इसलिए दुर्गा माँ जो है एक ईश्वरीय शक्ति है, अनेक परमात्मा की माया है दुर्गा विचार।